धर्मेंद्र कुमार, जैसा कि मालूम है कि आज 26 जून खूंटी डिस्ट्रिक्ट के ये बिरसा मुंडा कॉलेज की धरती है, जहां आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर एंड डॉक्टर 365 की टीम ने आज हमारे इतने डेडिकेटेड डॉक्टरों के टीम ने, डायरेक्टर की टीम ने आज 60,000 लोगों का हेल्थ चेकअप करने की प्लानिंग रखी थी, जो आज हम लोगों ने, डॉक्टरों की टीम ने आज तकरीबन 90,000 से ज़्यादा पेशेंट देखने में हम लोग कामयाबी हासिल की, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा की सभी तरह की मेडिसिन, व्हीलचेयर, एंकल जो विकलांग है उनके लिए व्हीलचेयर की फैसिलिटी, जो जिनके पैर कटे हुए हैं उनके लिए एलेम्को से आर्टिफिशियल लिम्स, के साथ साथ हिंदुस्तान के हर कोने से हमारी टीम ने सभी तरह के कंसल्टेंट को बुलाया है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मनोज अग्नि, डॉक्टर दिलीप पवार, डॉक्टर गोविंद रेड्डी, डॉक्टर यूनिश सोलंकी के साथ साथ इस कैंप में महाराष्ट्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ अशोक अत्रम के साथ साथ तमाम हमारे डॉक्टर्स की टीम जो बॉम्बे से चल करके आई है, और पूरे मुस्तैदी के साथ में एक एक डिपार्टमेंट को जो कि अच्छी तरह सुविधा दे सके, जिसमें मैंने बताया कि डॉक्टर दिलीप पवार, डॉक्टर गोविंद रेड्डी, डॉक्टर अर्पिता, डॉक्टर मोनू डेंटिस्ट के साथ साथ हमारे मैनेजमेंट टीम में डॉक्टर मिस्टर अमित गाला, अमित दोषी, राजेश खड़े जी के साथ साथ ऐसे तमाम हस्तियां चल करके आई है, और इस झारखंड की पावन धरती पे, बिरसा मुंडा के धरती पे हम लोगों ने आज एक इतने बड़े त्यौहार के रूप में, जश्न के रूप में आज 90,000 से ज़्यादा पेशेंट देख करके झारखंड वासियों की, ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए, उनको ब्लड ग्रुपिंग, सिकल सेल एनीमिया, एचआईवी, हेपेटाइटिस की टेस्ट करते हुए लोगों को खुशहाली कैसे दे सके, जहाँ की आए दिन सिकल सेल की तकलीफ से लोग असमय मरते रहते हैं, उनको मरने से रोकने के लिए हमारी टीम ने हर तरह की फैसिलिटी दे करके, और जिसमें आज महामहिम राज्यपाल जी ने आज इस कैंप का इनॉग्रेट करते हुए के साथ साथ भारत के ट्राइबल मिनिस्टर हमारे मुंडा साहब के साथ साथ यहाँ से करिया मुंडा, यहाँ के MLAs के साथ साथ तमाम ऐसे हस्तियाँ आकर के, इवन भारत सरकार के ट्राइबल सेक्रेटरी श्री अनिल झा, जॉइंट सेक्रेटरी नवलजीत कपूर जी, अगेन जॉइंट सेक्रेटरी के साथ साथ तमाम ऐसे हस्तियाँ आकर के आज हम लोगों ने 90,000 से ज़्यादा पेशेंट देख करके हम लोगों ने एक झारखंड के वासियों को एक खुशहाली देते हुए हम अपने पूरी टीम के साथ में आज हम लोगों ने ये कैंप ख़त्म करने जा रहे हैं। मैं अपने सारे टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने जो अपना सेवा दिया उसके बारे में दो दो शब्द रख करके इस कैंप का सही विवरण देने का काम करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप पवार, मैं फिजिशियन और कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा ये सौभाग्य था कि झारखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सबसे बड़ा मेडिकल कैंप हुआ। मेडिकल कैंप क्या, ये तो एक मेला था। डॉक्टर अर्पिता रांदेरिया हूँ, और मेरा यहाँ कैंप में आने का मेन मकसद है कि लोगों को पेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, फिजियो और ऑर्थो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करने का है। कैंप दैट वी डिड टुडे वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्शनल कैंप्स दैट आई हैव एवर डन इन माय लाइफ, डिस्पाइट डूइंग सो मेनी ऑफ देम। This camp that we did in Khuti, the district that we are talking about, is a place that is nearby to Ranchi, and this was a pure example of what our rural, underdeveloped India is all about. I witnessed firsthand the kind of situation that I'm seeing
what we actually know as tribal people, which we might have just read in our school books or we might have just come across in news or something. When I saw them for the first time, my heart wept, looking at their condition, looking at the kind of underprivileged people that these are. This was insane. This was for the first time that we were expecting a crowd of 60,000 and we actually went out and benefited more than 92,000 tribal people. I'm talking about today the unsung heroes that we've had. Everybody's heard me or everybody's heard Dr. Dharmendra ji talking about things when it comes to RKHIV/AIDS. But I really want to appreciate today the efforts that have been put by people who are actually behind the scenes who made this entire camp happen and made it successful. भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती पर आज आयोजित मेघा हेल्थ शिविर मुंडारी में अबुआ अबुगिन स्वास्थ्य अबुआ अबुगिन होड़ोम नामक इस शिविर में अपने बीच झारखंड के महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय रमेश वैश्य जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे देश के वो यहाँ पर आए हुए हमारे आर के HIV/AIDS रिसर्च एंड केयर के CEO डॉक्टर धर्मेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मुंबई से, दिल्ली और मुंबई से जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर दिलीप पवार जी, वीरल देसाई जी, हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जनजाति समुदाय का गौरव पाने की बात कहा है। अति प्राचीन काल से जनजाति समुदाय भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं तथा इनकी विश्व स्तरीय पहचान रही है। देश की आजादी में हमारे जनजाति समुदाय के लोगों का अविस्मरणीय योगदान है। झारखंड वीरों की भूमि है।